मेरे बच्चों को मुझसे दूर करके आपने पहले ही मेरा आंचल सूना कर दिया भोलेनाथ। अब मुझसे मेरी माँ को मत छीनना, वरना अनाथ हो जाऊंगी। ठीक कर दो माँ को। क्या गलत टाइमिंग है माँ की, फोन ही नहीं उठा रही। कहीं एक साथ सबको देख के शौक में ना चले जाए। अरे शौक में नहीं, उसे तो 440 वॉट की खुशी मिलेगी। हाँ जैसा आपको हो रही है ना। अब तो आप वो गंदी वाली ड्रिंक नहीं पियोगे ना? नहीं। प्रॉमिस? डॉक्टर माँ। तारा जी, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी माँ अब आउट ऑफ डेंजर है। सच्ची बट शी इज एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। थैंक यू बोलेगा। थैंक यू। की हालत सुनकर यहाँ पर आए, इन्हें पता चलेगा कि माँ ठीक हो गई तो वापस लौट जाएंगे। क्या क्या करो, क्या करो, इनको चांस दे रही तो क्या करूं मैं? सड़े हुए पपीते की तरह मुंह क्यों है? ठीक हूँ मैं, चलो घर। पर ठीक होने के बाद भी आपको मरना होगा माँ। क्या? आप मौत के करीब हो, आप मौत के करीब हो। ये बात सुनकर आपके सारे बेटे और बहुएं वापस लौट आए माँ। देव, अपन हॉस्पिटल में क्यों आए? किसको मिलना है? आज अभी पता चलेगा। चल शेष मस्ती नहीं। रावी ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इनके चक्कर में ना फिर से मत फंसना। जो लोग रोकने कहे तो रोकना मत। आराम से आराम से। कहाँ है? और आपको ना ऐसे सही सलामत देखकर वापस लौट जाएंगे। उनके लिए आपको मरना होगा। हाँ ठीक है, मर जाऊंगी उनके लिए। इमोशनल होने जैसा मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है रिशिता। जख्म इतने दिए कि इनके चार आंसू अब मेरे मन को हिला नहीं सकते। जख्म तो आज मेरी भी ताजा हो गई उस चीकू को देखकर। आज अगर मेरी चुटकी होती ना तो वो भी इतनी बड़ी होती। रहने दे राफी, अब मुझे इस लगाव से दूर ही रहना। सोच कह रही हूँ माँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उन्हें यहाँ रोकने का। मैं भी डॉक्टर से बात कर कर आती हूँ। अरे नहीं, वो सफेद पैंट कोट वाला तो पूरा प्रोग्राम में पंक्चर कर देगा। जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। तो करो ना, मत जल्दी करो, वो लोग कभी आते ही होंगे। कभी भी आते होंगे। बस तू एक्शन बोल। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। ओ माँ, ओ मारी, ओ माँ, आपको ऐसे देखकर तो मैं भी हंस पड़ूंगी। थोड़ा नेचुरल करो ना प्लीज प्लीज प्लीज। तुझे ही सब आता है ना तो तू ही कर। आजा, अब ये भी तू पहन ले। नहीं पहन ही ले, तू कर तो फिर सब तुझे ही आता है जैसे मुझे नहीं आता। नहीं रुकना है ना यहाँ पर। हाँ थोड़ा नेचुरल करके दिखाओ ना प्लीज। चलो 1 2 3 माँ की तबीयत इतनी खराब कब हो गई पता ही नहीं चला। मैं भी घर पे था।